बड़े खेद का विषय है कि आज हम सभी रेजिडेंट्स आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। हमने 2 साल से यहाँ पे डीएनपी कोर्स ज्वाइन कर रखा है और पिछले 6 माह से हमें हमारा स्टाइपेंड और वेतन नहीं मिला है। इसके लिए हमने बार बार प्रशासन को अवगत कराया है, लिखित में दिया है, लेखा विभाग में भी हमने अनुरोध किया है और हर बार हमें निराशा ही मिली है। अभी 5 दिन पहले हमने लिखित में हमारे प्रिंसिपल मैम को लिखित में दिया था कि अब हमें अति हो गई है और हम हमारा खर्चा जो भी है वो नहीं चला पा रहे। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पूरे जी जान से लगे हैं, हम यहाँ प्रशिक्षण करने आए ना कि ये हड़ताल करने, तो हमें हमारा हक दिया जाए, जल्दी से जल्दी हमें किसी भी तरीके से हमारा स्टाइपेंड जो है पेंडिंग है वो हमें मिले। दूसरी मांग हमारी, यहाँ पे अस्पताल परिसर में एक हॉस्टल बनी हुई है जो एक मूक दर्शक के रूप में वहाँ पे दिखती है, हम रोज आते हैं और देख के निराश होते हैं। वो किस लिए बनाई हुई है? हम 24 घंटे अस्पताल में ही रहते हैं, हमें घंटे 2 घंटे का वक्त मिलता है, हम चाहते हैं कि हम जाके वहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करें और हम हमारा काम निरंतर यूँ ही करते रहें। हमारे इस हॉस्टल नहीं मिलने की वजह से हमें दूर से भी आना पड़ता है और हमारे बिना मतलब के पैसे भी खर्च होते हैं। तो हमारी यही मांग है कि हमारा स्टाइपेंड जल्द से जल्द हमें मिले और हॉस्टल भी जल्द से जल्द मिले। जो ऑलरेडी 2 साल से वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है उसमें क्या कमी है क्या नहीं, ये तो प्रशासन ही जाने। बाकी हमें वो हमेशा जब भी हम एंटर करते हैं दिखते हैं, मिलती है और हमें बहुत निराशा होती है कि हम इसमें रह रहे होते और अच्छे से काम कर रहे होते। अभी क्या मांगे हैं आपकी और आप कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? देखिए, हमारी मुख्यतः ये 2 ही मांग है, जो एक उचित मांग है, इसमें किसी भी प्रकार की हठधर्मिता नहीं है। ये मांगे एक आम इंसान को भी जरूरत होती है, अपना घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, किसी प्रकार की हमारी किसी की भी कोई शिकायत नहीं है मेहनत में, ना हमने कभी कमी रखी है। पीड़ित मानवता के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और आप देख भी सकते हैं भीलवाड़ा में रेजिडेंट्स का काम बहुत अच्छा है, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं। वेतन कितने समय से नहीं आया? वेतन हमारा इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनका 6 से 7 महीने का बकाया है और जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स है उनका स्टाइपेंड मिनिमम 4 to 5 months है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हमारा यही रहेगा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाए हम हमारी इसी कार्य बहिष्कार पे कायम रहेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा डॉक्टर अनिल मिश्रा, ENT से रेजिडेंट।